अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अपने स्किन को अगर आप फेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव फेस मास्क बनाना बताऊंगी, जिसको आप ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो भी करेगी और आपका कलर भी इंशाल्लाह फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सी सिंपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी। मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं लूँगी पहले 2 चम्मच योगर्ट। योगर्ट आपको अपने किचन से ही मिल जाएगा, खाने का भी फ़ायदा है वहाँ लगाने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 2 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे योगर्ट। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटो जूस। ठीक है, इसके अंदर वाला जो जूस होता है वो आपने ले लेना है। ये मैंने इसमें टमाटो जूस डाल लिया है। इसके बाद मैं डालूंगी हाफ लेमन। ठीक हो गया, हाफ लेमन मैं इसमें डालूंगी। इसके बाद जो चौथी चीज़ है, लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है, वो है हल्दी। हल्दी आपने थोड़ी सी लेनी है। ठीक है, एक चुटकी हल्दी डाल ली है। अगर आप इसमें हनी डालना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं डालना चाहते तब भी बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ये इसमें मैंने 1/4 वो ली है, हनी ली है। ठीक है, अब इनको हम चारों को मिक्स कर लेंगे। इसको आपने दिन के वक्त, रात को, जब भी आपका टाइम लगे इसको आपने ट्राई करना है अपने फेस पे और इसको लगाना है। हल्के हल्के हाथों से आपने 5 से 10 मिनट मसाज करना है और फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक हो गया, ये देखें ये हमारा फेस मास्क जो है वो रेडी हो गया है। इसको आपने अपने हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं रगड़ना, ज़ोर से, आराम आराम से अपने फेस पे लगाना है। 5 से 10 मिनट मसाज करना है, उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद सिंपल सादा पानी से वॉश कर लें। इंशाल्लाह आप 3-4 दिन आप इसको ट्राई करेंगे, रेगुलर करेंगे, आप देखेंगे कि आपका कलर जो है वो बहुत अच्छा फेयर होना शुरू हो गया है। और दुआ में याद रखिएगा और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।